हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ब्लूमिंग फ्लावर। एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक बटन को हिट कीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब और शेयर प्लीज़ कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है कि बच्चे का डायपर का साइज़ कैसा होना चाहिए, जो कि बहुत ही ज़रूरी है बच्चे का कंफर्ट के लिए। क्योंकि अगर हम बच्चे को गलत साइज़ का डायपर पहना देते हैं तो उससे ये होता है, कई बार सुसु लीक हो जाता है और बच्चे का जो थाई एरिया है, जो कफ्स एरिया है, वहाँ पे निशान आ जाते हैं, जिस वजह से रैशेस भी हो सकते हैं और बच्चा रोता है, इरिटेशन फील होती है। तो बच्चे का डायपर का साइज़ परफेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे का कंफर्ट के लिए। तो जानते हैं हम बच्चे का जो डायपर का साइज़ कैसे डिसाइड करेंगे। जैसे कि हर डायपर के ब्रांड के ऊपर उनका ब्रांड का साइज़ बच्चे का वेट वाइज लिखा होता है। जैसे कि न्यूबॉर्न बेबीज़ के लिए अप टू 5 kg तक, और जो स्मॉल साइज़ के बेबी है उनके लिए 4 to 8 kg, मीडियम साइज़ के बेबी के लिए 7 to 12 kg, एंड लार्ज साइज़ के बेबी के लिए 9 to 14, और एक्सेल साइज़ का बेबी के लिए 12 to 17 kg। ऐसे ही हर ब्रांड का डायपर के पैकेट के ऊपर लिखा होता है। पर आपको यहाँ पे चूज कैसे करना है कि आपका बेबी के लिए कौन सा साइज़ का डायपर सही रहेगा। आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं। अगर आपको, समझ लीजिए आपका बच्चे का जो वेट है वो 6 kg है, तो वो आता है स्मॉल साइज़ के ऊपर, जो कि है 4 to 8 kg। तो यहाँ पे तो आप इजीली चूज कर लीजिएगा। पर वहीं पे अगर आपका बच्चे का वेट 7.5 या 8 kg है, तो आप क्या करोगे? क्या आप स्मॉल साइज़ चूज करोगे या फिर आप मीडियम साइज़ चूज करोगे? यहाँ पे अगर आप थोड़ी सी भी गलती करके अगर गलत साइज़ चूज कर लोगे, तो होता ये है बच्चे को बहुत अनकंफर्टेबल फील होएगा, इरिटेशन होएगा, और बच्चा वहाँ पे मतलब डायपर पहनने में उसको चिड़चिड़ाहट रहेगा, मतलब वो पहनना ही नहीं चाहेगा। तो यहाँ पे आपको चूज क्या करना है, यहाँ पे आपको मीडियम साइज़ लेना है, जो कि मैंने पीहू के लिए प्रिफर किया था, और मैं आपको वो टिप्स बता रही हूँ। हमसे भी गलती हुई है, तो मैं नहीं चाहती हूँ आप भी वही चीज़ करें। सो इसीलिए आज का ये वीडियो है। मीडियम साइज़ आपको इसीलिए लेना चाहिए, ये मैं टिप्स जो है मैं पीहू के टाइम जो अप्लाई किया था वो आपको बताऊंगी। क्योंकि बच्चे जो है 1 ईयर तक बहुत जल्दी इंक्रीज़ करता है उनका वेट, तो हर महीने उनका वेट गेन होता रहता है, तो जिस वजह से वो स्टेबल साइज़ में नहीं रहते हैं। यहाँ पे ये होता है, अगर आप गलत साइज़ चूज कर देते हैं बच्चे के लिए, तो उनको रैसेस हो जाते हैं और बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। तो पीहू के टाइम में ये हुआ था, जब कभी भी पीहू का बॉर्डर लाइन पे या फिर उससे 0.5 kg कम होते हैं, मतलब जो साइज़ के, तो मैं हमेशा से ही उसके लिए आगे वाला साइज़ लेती हूँ। उससे क्या होता है, बच्चा कंफर्टेबल रहता है और रैसेस होने के भी चांस कम होते हैं। मैं और भी एक टिप्स बताऊंगी जो मैंने पीहू के टाइम अप्लाई किया था। आप जब भी डायपर पहनाओगे बच्चे को, तो आप पहनाने के बाद उसको चेक कर लीजिएगा कि वो कहीं ज़्यादा लूज तो नहीं है, कहीं ज़्यादा टाइट तो नहीं है। वो कैसे देखना है, बच्चे के कमर के एरिया पे 2 फिंगर टिप्स पे डायपर के अंदर डालिए कमर के एरिया से, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि ये टाइट है या लूज है। और भी जो बच्चे का थाई एरिया है, जो लेग का कप्स है, उस एरिया में भी 2 फिंगर टिप्स को डालिए, और वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं बच्चे को कहीं डायपर ज़्यादा टाइट या ज़्यादा लूज तो नहीं है। और भी आप जब भी बच्चे को डायपर पहनाते हैं, ध्यान दीजिएगा डायपर हमेशा बच्चे का नाभि के नीचे रहे, नाभि के ऊपर या फिर नाभि के आगे नहीं रहना चाहिए। हमेशा डायपर को नाभि के नीचे ही रखिएगा, बच्चा कंफर्टेबल रहेगा। क्योंकि उस एरिया में हमें छोटे बच्चों को कोई भी कपड़ा या फिर डायपर्स पहनाना नहीं चाहिए। तो फ्रेंड, आई होप आपको इस वीडियो से मदद मिल गई होगी, आपको पता चल गया होगा कि आप अपने बच्चे के लिए कौन सा साइज़ का डायपर लोगे। तो जल्दी से जाके इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपके मन में कोई सवाल है तो, और जितना हो सके इस चैनल को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और लोगों को भी ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने की मौका मिले।